दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपने फ्री फायर गेम में लॉग इन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर या जीमेल एंड यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगने लगता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपका फेसबुक लॉग इन है तो भी यहाँ पे क्यों मांग रहा है, एंड ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रहा है। एंड काफी बंदे के पास नहीं ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, एंड काफी के साथ ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आज के इस वीडियो को आप लोग अगर एंड तक देख ले तो एंड आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो आपको इस वीडियो को डिसलाइक कर देना एंड कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अगर इस वीडियो को आप एंड तक अच्छी तरह से वॉच कर लेते हो तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है जो कि 101% सॉल्व हो जाने वाला। तो आपको आज की इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देख लेना। सो गाइस, चलिए आज की इस न्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, बगल में एक बेल आइकन आएगा इस पर क्लिक करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि गाइस जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी सभी नए वीडियो सबसे पहले देख पाएं। सो गाइस, चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आपको फेसबुक लॉगिन प्रॉब्लम को यहां पे सॉल्व करना। सिंपली दोस्तों, यहां से मैं बैक आ जाता हूं एंड यहां पे मैं आप लोगों को फेसबुक भी ओपन करके दिखा देता हूं। आप लोग यहां पे देख सकते हो, यहां पे मेरा फेसबुक है जो कि यहां पे लॉगिन है। सो गाइस, जैसे ही आप लोग यहां पे अपना गेम को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करते हो, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, तो कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेता है एंड यहां पे आप लोगों का मोबाइल नंबर या जीमेल या यहाँ पे एंड उसका पासवर्ड मांगता है। तो चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या। सिंपली दोस्तों, मैं आपको कुछ भी नहीं ज्यादा बताने वाला हूँ, 5 सेटिंग, 10 सेटिंग, 1 सेटिंग बताऊंगा एंड ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाने वाला। सिंपली दोस्तों, आपको एक सेटिंग फेसबुक के अंदर करनी है, उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम है जो कि सोल्व हो जाने वाली है। सिंपली दोस्तों, यहाँ पे लाइव प्रूफ कोई भी कट देखने को नहीं मिलेगा, मैं करके दिखाने वाला हूँ। सिंपली ऐसे मैं बैक ले लेता हूँ। बैक ले लेने के बाद दोस्तों, सिंपली आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना। फेसबुक को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने सेटिंग में जाना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्रिवेंसी देखने का मिल जाता है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, सिंपली यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना। एंड ये प्रॉब्लम मेरे फ्रेंड के फेसबुक के अंदर हो रहा था तो उसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग सेटिंग एंड प्रिवेंसी के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद सिंपली नीचे आपको स्क्रॉल करना। जैसे आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एप्स एंड वेबसाइट। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो गरीना फ्री फायर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्स एंड वेबसाइट पे जाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गरीना फ्री फायर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एंड जिस प्रकार से मैं वीडियो में प्रोसेस करके बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक मिस्टेक भी नहीं करना। अगर आप एक मिस्टेक कर देते हो तो आपका आईडी भी डिलीट हो सकता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग इन विथ फेसबुक यहाँ पे देखने को मिलता है एंड ऊपर में रिमूव देखने को मिलता है। तो ऊपर वाला रिमूव नहीं आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जो नीचे में रिमूव देखने को मिल रहा है सिंपली आपको रिमूव पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो टिक है इसको अनटिक आपको कर देना। उसके बाद सिंपली आपको रिमूव पे क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर देते हो, यहाँ पे देख सकते हो यू रिमूव, यहाँ पे गरीना फ्री फायर यहाँ से हट चुका। एंड जैसे ही यहाँ पे गरीना फ्री फायर हट जाएगा, उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपने गेम में जाना। गेम में जाने के बाद यहाँ पे बैक आ जाना। एंड बैक आ जाने के बाद दोस्तों, सिंपली यहाँ पे आपको साइन इन विथ फेसबुक पे क्लिक करना। जैसे ही आप लोग साइन इन विथ फेसबुक पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आ चुका कंटिन्यू एज ए सरीफुल। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एंड जैसे ही कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे मेरा आईडी न्यू नहीं बनेगा, आप लोगों को लगेगा कि ये न्यू आईडी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा ओल्ड आईडी है जो कि यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। एंड यहाँ पे आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, ये ओल्ड आईडी है। एंड दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने इस फेसबुक लॉग इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ये छोटा सा मतलब कि स्टेप ही आपको करना है। आपको इस वीडियो को अगर यहाँ तक फुल्ली देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको 101% सोल्यूशन दे दिया। एंड दोस्तों, ये एक बार में ही वर्किंग कर रहा है, यानी कि गाइस आपको 5-10 सेटिंग नहीं बताने वाले। यूट्यूब पे आपको काफी ज्यादा वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 5 से 10 सेटिंग बताया जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 1 सेटिंग बताया। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूले।